क्योंकि मुझे लगा कि अगर सरकार बन गई और इसी प्रकार से बन गई कि इनकी याददाश्त गुम हो जाती, तो ऐसा ना हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो मुझे फोकस करके अब चलना है उसकी धार मेरी कम हो जाए। जैसे शराबबंदी पर मैं फोकस किए ही रही और शिवराज जी ने बहुत सम्मान रखा, मेरी बात को पूरी हो गई। अब बात आ गई है सरकारी व्यवस्थाओं की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की। अब इस पर पूरा फोकस करना, अपनी धार बनाए रखना है, अपनी क्षमता को, अपने योगदान देने की सामर्थ्य को खत्म नहीं करना है। इसलिए मैं बोल पड़ी हूँ कि इनके बनाए ना बनूंगी ना इनके मिटा मिटूंगी। वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इंडिया के लोगों को पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि स्टालिन का लड़के का भले ही कोई महत्व ना हो लेकिन स्टालिन का लड़का है, ये तो महत्वपूर्ण बात ना इंडिया से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। और इंडिया के लोगों ने अगर ये माफी नहीं मांगी तो उनको बहुत भारी पड़ेगा। अब आप क्या देखती हैं चुनाव में स्थिति की? कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा है कि बुलाया नहीं और साथ में ये भी कहा है, अरे जीतने की जैसे लग रहा है कि जीत जाएंगे या वो मारती। अरे नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है। आप जो कह रहे हैं मैं ऐसा रोना धोना नहीं करती। आप रुलाती धुलाती तो हूँ, मैं रुला सकती हूँ, रो नहीं सकती हूँ। किसको रुला रही हूँ? आप समझ जाना, जो रो रहे होगे उसे पूछ लेना। अभी तो मैं जो आपको कह रही हूँ वो आप मेरी बात समझ लो। मैं दुख दर्द आहत टाइप का मामला कुछ है ही नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे को एक चीज का फर्क पड़ता है कि मुझे लोगों की नजर में अपनी शक्ति बनाए रखना है और वो शक्ति मुझे लोगों से ही प्राप्त करना है और लोगों की नजर में उस शक्ति को बनाए रखना है। तो इसलिए जो हालात अगर ऐसे बन गए हैं कि हम भयभीत हैं इस बात के लिए कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं, तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। कमलनाथ जी बहुत मजबूत नेता अब है नहीं, कांग्रेस में कोई नेता बचा नहीं है, उनका जो हीरा था वो हमारे यहाँ आ गया। फिर भी हमें अगर उनसे डर लगने लगा है तो हमें कहाँ कमी हो गई है, हमारी वो कौन सी चीज है जिसने हमें इतना हमारा मनोबल गिरा दिया है? अन्यथा मुझे लगता है हमारी सरकार बनेगी। क्या बात है साहब ऐसी कि सरकार नहीं बनेगी, प्रचंड मतों से बनेगी। लेकिन एक बात ये भी देखी जा रही है कि कार्यकर्ता नाराज है और कई बड़े नेता और अभी शिवपुरी से एक विधायक है उन्होंने भी पार्टी छोड़ दे रहे हैं, तो उसको ये जो लोग छोड़ रहे हैं ना ये हैं ही ऐसे सबके सब, इनके आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन एक बात जरूर है कि जो सरकार बनाने की प्रक्रिया हुई 2020 में, तब से लेके आज तक जो भाजपा की स्थितियां बन गई उसमें कहीं ना कहीं कोई अवमूल्यन ऐसा हो गया भाजपा का लोगों की नजर में जिससे कि हम भयभीत हो गए हैं, और उसी भय में से ये सारी बात निकली है कि याददाश्त कमजोर हो गई। भूल गया निमंत्रण देना, मुझे तो नहीं भूले, मुझे कहना भूल गए कि आप आ जाना, यहीं तो बैठे हुए थे रात में एक दिन पहले। बताइए फिर भी इसका तो कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि जानते हुए मिलते हुए भी मतलब नहीं वो जानबूझ के नहीं करते हैं। उपभोक्तावाद हावी हो गया है, तात्कालिक तौर पर कौन उपयोगी है बाद में देखेंगे उसको, लेकिन इसमें हम थोड़े ना अपने अस्तित्व को अंधेरे में जाने देंगे। उनको ये लगता है अब ये उनकी जो मानसिक अध्ययन है ना, मनोस्थिति का।